हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया, जरा देखो तो। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देखकर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए भी काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी ना थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उस वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतुष्ट कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती, यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका, घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति थी ही नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम ही नहीं करते। इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ईखे उखाड़ लेते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों की तरफ चल पड़ा, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था, माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों को दोजख मारती रहती थी। जब से वो आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगा कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वो ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे, कहीं ज़्यादा प्रसन्न थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे।
वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसु किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुश्ती मंडली में जा मिलता था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठक बाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसीलिए जहाँ उसकी मंडली के लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वो फटे हाल है तो उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो करनी नहीं पड़ती, और उसकी सरलता और निर्भयता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया ही नहीं था। इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जवान जली। चिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दोनों दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, तलक और तालू जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत तो इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान था, इसीलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उन्हीं आंखों में आंसू निकल आते। घीसु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, तीन तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊँ कि उस भोग का क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक ना थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्थर में गरम गरम गोल गोल स्वादित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मन करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल को हाथ से रोके हुए हैं, मगर वे हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान एलौची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी, खड़ा हुआ ना जाता था, झटपट अपने कंबल में जाकर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है, शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, बटोरने में तो काम नहीं है, हाँ खर्च में किफायती सूझती है। तुमने 20-21 पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से भी ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी, अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे। जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेदुलियां मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करहा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी, उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, साड़ी देह धूल से लतपत हो रही थी, उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसु के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से है है करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर ना था, कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वाड़े पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है, अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता तू। घीसु ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ, माधव की घरवाली गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे,
दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, पर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उड़ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं सरकार। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से, यों तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामत कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर ना था। जी में कूदते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर से बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दे दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो ठीक है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ ही तो जल जाता है, क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले ही मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे, बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। अब दोनों ना जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे, फिर घीसू ने गड्डी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई और बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को 1000 रुपए क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। लोगों को विश्वास नहीं आएगा लेकिन फिर वही रुपए दे देंगे। माधव भी हंसा इन अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर, आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी अचार कलेजियां, शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारा सामान ले आया, पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था ना बदनामी का फिक्र, इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य होगा। माधव ने सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा, भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना, हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कहीं उम्र भर ना मिलता। एक क्षण के बाद मन में एक शंका जागी, बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया, वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे
कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो ज़रूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ही सा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ? उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया, बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने ही डाला था। गीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक और भी बढ़ जाती थी। कोई गाता था, डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं कि मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी और जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी और भूखी निगाहों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे दे। बीवी की कमाई है, वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ ही जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते भी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीब को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेलकर मरी? वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी, इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी और लगी हुई थी और वे दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर गए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।